अब आपको सीधा लिए चलते हैं रायपुर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौधन न्याय योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। जिस बदलाव की उम्मीद की गई थी, आज ये उम्मीदें पूरी होती दिख रही है। ये योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित हो रही है। कोरोना संकट के समय यह साबित हो गया कि योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण भाइयों को कितना बड़ा संबल मिला। हमारे गाँव में अपने ही बल पर आपदा का सामना किया और उसे हराया भी। लॉकडाउन के समय भी गाँव में पैसे और रोजगार की कमी नहीं हुई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ऐसे ही मजबूत और स्वावलंबी गाँव का सपना देखा था। उनका सपना आज छत्तीसगढ़ में साकार हो रहा है। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव आज स्वावलंबन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे गौठान जितने मजबूत होंगे, जैविक खेती का प्रचलन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, खेतों के लिए पानी का इंतजाम जितनी तेजी से होगा, पशुपालन जितना समृद्ध होगा और स्वस्थ जीवन जितना अधिक सुनिश्चित होगा, गांधी जी का सपना उतना ही तेजी से साकार होगा। वही छत्तीसगढ़ में 10,057 गौठान स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 5,847 गौठानों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन गौठानों का प्रबंधन अच्छी तरह से हो सके, इसके लिए शासन की ओर से हर संभव मदद की जा रही है। हाल ही में मैंने गौठानों को 24,41,50,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। मुझे बहुत खुशी होती है कि वर्मी कंपोस्ट सुपर कंपोस्ट का उत्पादन करने के साथ साथ अन्य आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से हमारे गौठान तेजी से स्वावलंबी हो रहे हैं। ऐसे ही स्वावलंबी गौठान अपने आय से स्वयं गोबर खरीद रहे हैं और स्वयं ही स्व सहायता समूह के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट सुपर कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे हैं। प्रदेश में 1160 गौठान स्वावलंबन की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसके लिए भी सभी किसानों, पशुपालकों और स्व सहायता समूह के भावों को बधाई देता हूँ। गौठान का सीधा संबंध किसान भाइयों की खेती से है। यह व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, खेती भी उतनी ही मजबूत होगी, उत्पादन भी उतना अधिक बढ़ेगा। किसान भाइयों से मेरी अपील है कि अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा वर्मी और सुपर कंपोस्ट का उपयोग करें, ताकि हम अपने आने वाले पीढ़ी को उपजाऊ जमीन दे सकें। 1 जुलाई से गांव गांव में रोका छेका लागू है। पशुपालक भाइयों से अपील करता हूं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाएं। गौठानों में पशुओं के लिए चारा, पानी तथा देखभाल की अच्छी व्यवस्था की गई है, उसका लाभ उठाएं। इससे पशुपालकों के साथ साथ किसानों और स्व सहायता समूहों को भी फायदा होगा। चरवाहे भाइयों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे खुले में घूमने वाले पशुओं को गौठान तक पहुँचाएँ। पिछले साल भी हम लोगों ने रोका छेका की व्यवस्था लागू की थी, जिसका लाभ सभी को मिला। पिछले वर्ष रिकॉर्ड 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई। इस साल हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का और विस्तार किया है। अब इस योजना के दायरे में धान के साथ साथ गन्ना, मक्का, अरहर, सोयाबीन, कोदो, कुटकी को भी शामिल कर लिया गया है। पिछले सीजन में जिन खेतों में धान की फसल लगाई गई थी, उसमें जिन लोगों ने धान के बदले अन्य चिन्हित फसलें लगाई है या वृक्षारोपण किया है, उन्हें भी इस योजना से ज्यादा लाभ मिलने वाला है। गठानों को मजबूत बनाकर हमको राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है। मेरी सलाह है, गठानों में नेपियर घास जरूर लगाएं, जिससे पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था हो सके। यदि गठान में इसके लिए पर्याप्त जगह न हो, तो गांव में जहां भी उपलब्ध हो जमीन, वहां पर नेपियर घास लगाकर गौठान के लिए हरे चारे की व्यवस्था की जा सकती है। पशुओं को हरा चारा मिलेगा तो इधर उधर हो जाएंगे, किसानों की फसल भी बचेगी और दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। जैसे मनुष्य के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, वैसे ही पशुओं को ही पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। पैरा खिलाने से केवल उनका पेट भरता है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित हो रहे पशुपालकों, स्व सहायता समूह के बहनों और किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई। जय जवाहर, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में इस वक्त गौधन न्याय योजना के संबंध में संबोधित कर रहे हैं, और इस न्याय योजना का सीधा लाभ
किसानों को मिल सके इस बारे में बता रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने उन पशुपालकों को और स्वयंसेवी संस्थाओं को बधाई दी है जिसका सीधा लाभ इनको मिल रहा है।